Hello everyone, myself Ram Vilas Singh, lecturer in Mechanical Engineering Department from Government Polytechnic College Chittorgarh. आज हम पढ़ेंगे CNC and Automation subject में Automatic Tool Changer और Tool Magazine के बारे में. तो आइए स्टार्ट करते हैं. CNC मशीन में काम में ले जाने वाली टूलिंग का एक और फीचर है यहाँ पर Automatic Tool Changer and Tool Magazine. ऑटोमेटिक टूल चेंजर को हम शॉर्ट में बोलते हैं ATC, ऑटोमेटिक टूल चेंजर. CNC मशीन के फीचर्स की अगर बात करें तो पहला फीचर होता है एक्यूरेसी. जो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलता है उसकी हाई एक्यूरेसी के साथ हमें मिलता है और हाई क्वालिटी के साथ मिलता है. और यहाँ जो स्पिंडल स्पीड और फीड रेट रखी जाती है CNC मशीन में वो हाई रखी जाती है. तो यहाँ जो हमें मशीनिंग रेट प्राप्त होता है वो भी हाई प्राप्त होता है. तो इस मशीनिंग रेट को हायर लेवल पे मेंटेन करने के लिए, मशीनिंग रेट को हायर रखने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, डाउन टाइम को कम से कम रखा जाता है, लेस रखा जाता है. डाउन टाइम वह समय है जिस समय कोई प्रोडक्शन कार्य नहीं हो रहा है, या तो उस समय टूल चेंजिंग का कार्य किया जा रहा है या फिर कोई अन्य कार्य किया जा रहा है. मतलब क्या है डाउन टाइम का, मतलब क्या है अनप्रोडक्टिव टाइम. अगर हम इस अनप्रोडक्टिव टाइम को, डाउन टाइम को अगर हम कम से कम रखते हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, मशीनिंग रेट हाई होता है, प्रोडक्शन रेट हाई हो जाता है. तो CNC मशीन को इस प्रकार से हमें डिजाइन करना है कि मशीनिंग रेट हाई रहे और डाउन टाइम कम से कम रहे. यानी कि CNC मशीन में टूलिंग हमें इस प्रकार से करनी है ताकि डाउन टाइम क्या रहे, कम से कम रहे. तो यहाँ पर क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पर ये किया जाता है कि सिंगल सेटिंग ऑफ वर्कपीस, यानी कि हमें एक बार ही सारा सेटअप कर देना है, ठीक है, टूल का, वर्कपीस का. और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ ऑपरेशन उसके ऊपर कर पाएँ. हमें ऐसा इस प्रकार जो डिजाइन किया जाता है CNC मशीन के अंदर टूलिंग को, एक बार के सेटअप में एक बार आप सेटअप कर दीजिए टूल और वर्कपीस को, और बाद में आप जो भी ऑपरेशन करने हैं, कई सारे ऑपरेशन आप बैक टू बैक कर सकते हैं बिना किसी डाउन टाइम के, ठीक है. तो अल्टीमेटली क्या होता है, जैसे आप एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन की ओर जाते हैं तो यहाँ पर जो डाउन टाइम जो लगेगा टूल चेंज होने में या फिर टूल सेटअप होने में वो कम से कम लगेगा. यानी कि डाउन टाइम कम से कम हो गया और ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्शन रेट है, मशीन रेट है, वहाँ पर बढ़ जाता है. देखते हैं, जैसे आपके पास ये जो है ऑब्जेक्ट दिखाया गया है, एक जॉब है आपके पास, सिलेंड्रिकल जॉब है. इसमें जो है थ्रेड बनानी है आपको, जो है ड्रिल बनाना है आपको, और यहाँ पर आपको जो है नर्लिंग ऑपरेशन करना है, ठीक है. पहले आप टर्निंग करेंगे, फिर थ्रेडिंग करेंगे, चैम्फरिंग करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, नर्लिंग करेंगे. तो इसका मतलब ये है कि जॉब रिक्वायर्ड मोर देन वन ऑपरेशन. तो यहाँ पर इस जॉब में हमें एक से ज़्यादा ऑपरेशन करने पड़ेंगे, टर्निंग, चैम्फरिंग, थ्रेडिंग, ड्रिलिंग, क्लियर. तो यहाँ पर CNC मशीन में टूलिंग इस प्रकार से अरेंज करेंगे कि इन पांचों टूल को एक साथ ही, जो टूल मैगजीन होती है उसमें हमने यहाँ पर सेट कर रखा है. CNC मशीन के अंदर CNC जो मशीन सेंटर होता है, लेथ मशीन सेंटर, इसमें हम क्या करते हैं, टरेट टाइप ऑफ टूल मैगजीन काम में ले जाती है. यहाँ पर इस प्रकार से देखिए आप, पाँच तरह के टूल यहाँ पर लगाए गए हैं. T1 पे टर्निंग टूल है, T2 पे थ्रेडिंग टूल है, T3 पे ड्रिलिंग टूल है, T4 पे चैम्फरिंग है, और T5 पे पार्ट ऑफ टूल है जो बनाए गए जॉब को और बाकी बचा हुआ पोर्शन उसको अलग करता है, ठीक है. ये पांच प्रकार टूल है. यहाँ पर देखिए आपके पास ये वर्कपीस है और ये चक है और ये आपका स्पिंडल, जो यहाँ पे टूल का स्पिंडल है. जिस टूल को आप सेलेक्ट करेंगे वो टूल क्या करेगा, वर्कपीस के सामने आएगा और जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म यहाँ पर करता है, क्लियर. तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि इस प्रकार से यहाँ पर टूलिंग की गई है कि इन पाँचों टूल को आप एक साथ पहले सेट कर देंगे और वर्कपीस को भी आप सेट कर देंगे, ठीक है. पहला ऑपरेशन करेंगे आप थ्रेडिंग, तो थ्रेडिंग के लिए क्या करना होगा, T1 टूल को आप सेलेक्ट करेंगे तो T1 टूल वर्कपीस के सामने आएगा और ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, टर्निंग ऑपरेशन हो जाएगा. नेक्स्ट आपको थ्रेडिंग करनी है तो क्या करेंगे, T2 टूल आप सामने आएगा और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. उसके बाद T4 आ जाएगा, चैम्फरिंग परफॉर्म होगी. उसके बाद आपका जो T3 टूल आ जाएगा, ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा. तो इस प्रकार से हम सभी टूलों को, जो पूरा सेटअप है उसको हम पहले ही सेट कर लेते हैं और ऑपरेशन बैक टू बैक कंप्लीट यहाँ पर होते रहते हैं, क्लियर. इसी प्रकार से अगर हम देखें, देखिए यहाँ पर जो है मिलिंग कोई ऑपरेशन है, मिलिंग मशीन के अंदर ही आपके पास वर्कपीस है, दिस इज द वर्कपीस, और यहाँ पर आपके पास स्पिंडल है और ये आपके पास है टूल मैगजीन. टूल मैगजीन एक प्रकार का डिवाइस होता है जो कई सारे टूल को, जैसे यहाँ पर हमें जो है पाँच प्रकार के टूल की आवश्यकता थी हमें, टर्निंग टूल, थ्रेडिंग टूल, ड्रिलिंग टूल, चैम्फरिंग टूल, पार्ट ऑफ टूल, नर्लिंग टूल, इसी प्रकार से हमें यहाँ पर कई सारे टूल की आवश्यकता होगी. तो यहाँ पर एक टूल मैगजीन है जो ड्रम टाइप का है और यहाँ पर जो है 12 टूल यहाँ पर एक साथ होल्ड किए जा सकते हैं. देखिए यहाँ पर नंबरिंग भी की हुई है, 1, 2, 3, 4 से अप टू 12 तक. तो 1 से 12 टूल यहाँ पर होल्ड
कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ मैं आपके पास वर्कपीस है और ये स्पिंडल है, देखिए इस पर कौन कौन से ऑपरेशन करने हैं आपको। ऑपरेशन टू बी डन, एंड मिलिंग, पॉकेटिंग, क्रूविंग, ड्रिलिंग। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 12 टूल सेट किए हुए हैं मैगजीन पर, आपको इसमें से 4 टूल, यानी कि पहला एंड मिलिंग वाला टूल, दूसरा पॉकेटिंग वाला टूल, तीसरा ग्रूविंग वाला टूल और चौथा ड्रिलिंग वाला टूल आपको सेलेक्ट करना है और वन बाय वन आपको काम यहाँ पर करना है। तो देखिए हम किस प्रकार से करेंगे कि सारा सेटअप हम एक बार में ही पहले कर लेंगे, यानी कि ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले ही सभी टूल को सेटअप कर लेंगे और वर्कपीस को भी प्रॉपरली सेट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले एंड मिलिंग टूल स्पिंडल में अटैच होगा और एंड मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, दूसरा टूल पॉकेटिंग वाला आएगा, वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फिर तीसरा ग्रूविंग वाला टूल आएगा, वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो इस प्रकार से वन बाय वन यहाँ पर ऑपरेशन होते हैं। देखिए सीक्वेंस ऑपरेशन का क्या रखा है यहाँ पर, एंड मिलिंग होगा सबसे पहले, यानी कि जो एंड मिलिंग का जो टूल है वो स्पिंडल के अंदर होल्ड होगा और परफॉर्म करेगा, फिर ग्रोविंग, यानी कि जो ग्रोविंग वाला टूल है इसमें से जो भी ग्रोविंग वाला टूल है जिस नंबर का भी है वो स्पिंडल में आके अटैच होगा और ग्रोविंग ऑपरेशन होगा, फिर पॉकेटिंग वाला टूल इस टूल मैगजीन, ये जो टूल मैगजीन है उससे स्पिंडल पे आएगा और ग्रोविंग ऑपरेशन होगा, फिर पॉकेटिंग ऑपरेशन होगा, लास्ट में ड्रिलिंग ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक ऑपरेशन के बाद जब दूसरा ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ रहा है, टूल को चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे एंड मिलिंग हो गए, अब आपको जो है ग्रोविंग करने, तो आप क्या कर रहे हैं, टूल को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टूल चेंज करने की प्रक्रिया में कौन हेल्प कर रहा है आपकी, टूल चेंजर हेल्प कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मैन्युअली हम टूल को चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक टूल चेंज हो रहा है। जैसे एक ऑपरेशन से दूसरा ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है तो ऑटोमेटिकली टूल यहाँ पर चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक टूल चेंजर, ठीक है। टू चेंज द टूल फ्रॉम प्रीवियस ऑपरेशन टू करंट ऑपरेशन हम क्या यूज करते हैं, ATC, यानी कि ऑटोमेटिक टूल चेंजर का उपयोग करते हैं, ठीक है। देखिए वर्क ऑफ ATC क्या है, ATC का काम केवल कितना है कि वो क्या करे, स्पिंडल में टूल को लोड करे, जब भी आवश्यकता होती है तब क्या करे, टूल मैगजीन से टूल को ले और स्पिंडल में फिट कर दे, और स्पिंडल में टूल फिट हो गया तो वो अपना वर्क फिर स्टार्ट कर देगा, ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आई होप जो है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि टूल हम होल्ड करते हैं टूल मैगजीन में, यहाँ पर स्पिंडल होता है, यहाँ पर वर्कपीस होता है, जिस टूल को आपको काम में लेना है वो टूल यहाँ से हम उठाएंगे और यहाँ पर स्पिंडल पे फिट कर देंगे, ये काम ऑटोमेटिक होगा, टूल यहाँ से उठेगा और यहाँ पर फिट हो जाएगा स्पिंडल में और वर्क स्टार्ट हो जाएगा, फिर जैसे ऑपरेशन कंप्लीट होगा वापस जो टूल यहाँ पर स्पिंडल में था वो वापस मैगजीन में जाएगा और मैगजीन से वापस जो है दूसरा टूल आ जाएगा स्पिंडल में और दूसरा ऑपरेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑपरेशन वन बाय वन होते जाएंगे। देखिए यहाँ पर ATC को हम कंट्रोल कैसे करते हैं, ATC का फंक्शन हम कंट्रोल कैसे करते हैं, देखिए ATC का हम फंक्शन जो कंट्रोल करते हैं T-word से, है ना। T-word पार्ट प्रोग्राम में हम जो T-word लिख करके ATC के वर्क को कंट्रोल करते हैं। देखिए जहाँ आपने लिखा है T-word का मतलब क्या है कि टूल ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड होगा, जो सेलेक्ट होगा और चेंज भी हो जाएगा इस ATC की मदद से, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, N25M06T03EOB। अब इसका मतलब समझते हैं हम, N25 तो ब्लॉक नंबर हो गया, क्लियर। M06 का मतलब क्या है, कोड फॉर टूल सिलेक्शन। अगर आपने कहीं M06 लिखा मतलब आप क्या करना चाहते हैं, टूल चेंज करना चाहते हैं, क्लियर। और कौन सा टूल आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो T03 इंडिकेट टूल एट थर्ड पोजिशन। इसका मतलब ये है कि जो थर्ड नंबर वाला टूल है, यानी यहाँ पे देखिए आप ड्रम टाइप का मैगजीन है, इसमें जो है 12 प्रकार के टूल इस ड्रम ने होल्ड किए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जो थर्ड नंबर वाला टूल है ना उसको आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया, यानी कि जो थर्ड नंबर वाला टूल है वो स्पिंडल के सामने आ जाएगा और ये जो टूल है थर्ड नंबर वाला वो अब स्पिंडल में फिट हो जाएगा और अब ये वर्क अपना स्टार्ट कर देगा। तो अब आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्लियर। मैगजीन थर्ड टूल पोजिशन इज सेलेक्टेड एंड टू बी लोड इन स्पिंडल फॉर अपकमिंग ऑपरेशन, यानी कि हमने यहाँ पे तीसरे नंबर का टूल सेलेक्ट किया है और अब आगे क्या करने वाला है, तीसरे नंबर का टूल ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है। ऑटोमेटिक टूल चेंजर क्या करेगा, इस तीसरे नंबर के टूल को सेलेक्ट करेगा और स्पिंडल में फिट कर देगा और ऑपरेशन कंटिन्यू हो जाएगा। तो ATC का मेन फायदा यही है कि इसमें जो टूल चेंजिंग में जो समय लग रहा है ना, टूल सेलेक्शन और चेंजिंग में, वो बहुत ही कम लगता है यहाँ पर, तो डाउन टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाता है यहाँ पर।
देखिए एटीसी क्या होता है, देखिए एटीसी कंसिस्ट ऑफ टूल मैगजीन फॉर स्टोरिंग टूल, क्लियर, एंड अ टूल चेंज यूनिट फॉर ट्रांसफरिंग द टूल फ्रॉम टूल मैगजीन टू स्पिंडल। तो ये जो एटीसी है, ऑटोमेटिक टूल चेंजर है, इसमें दो हम पार्ट देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर। पहला तो क्या है, पहला है आपके पास टूल मैगजीन, जिसमें टूल को होल्ड किया जाता है, और दूसरा वह मैकेनिज्म जिसकी सहायता से इस मैगजीन से टूल को उठाते हैं और स्पिंडल में फिट करते हैं, वो मैकेनिज्म आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलता है, क्लियर। तो एटीसी कंसिस्ट ऑफ टूल मैगजीन, जो टूल को स्टोर करेगा, दूसरा एक टूल चेंज यूनिट होगा जो क्या करेगा, टूल मैगजीन से टूल को उठाएगा और स्पिंडल में फिट करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, एक तो टूल मैगजीन से टूल उठाएगा, नया टूल और स्पिंडल फिट करेगा, और जो स्पिंडल में पहले से जो टूल लगा हुआ है उसको उठाएगा और वापस उसको टूल मैगजीन में ले जाके स्टोर कर देगा, क्लियर। टूल ऑलरेडी फिटेड ऑन स्पिंडल इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड इन द टूल मैगजीन, ठीक है। देखिए टूल चेंजिंग जब होता है, तो टूल चेंज होने का मतलब क्या है कि टूल का सिलेक्शन होना और टूल का ट्रांसफर होना। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिखा था, इसमें T03 यानी कि तीसरे नंबर का टूल यहाँ पर सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, यानी कि सिलेक्शन हो गया तीसरे नंबर का टूल का, कि वो आगे आने वाले ऑपरेशन में हम तीसरे नंबर के टूल का यूज करने वाले हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी कि जो तीसरे नंबर वाला टूल है वो मैगजीन से उठ के कहाँ जाएगा, स्पिंडल में जाएगा। वो कैसे जाएगा उसका हम जो है एक स्लाइड देखने वाले हैं आगे। तो इसका मतलब ये है कि टूल चेंज साइकिल में दो साइकिल का सम होता है, एक तो सिलेक्शन और एक ट्रांसफर। देखिए यहाँ पर टूल चेंज करना मतलब टूल को सेलेक्ट करना है और ट्रांसफर करना है। टूल चेंज साइकिल में पहला होता है टूल सिलेक्शन साइकिल, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पार्ट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग टूल सेलेक्ट होता है। जैसा हम कमांड लिखें, जैसे हमने लिखा था T03 यानी कि तीसरे नंबर का टूल यहाँ पर सेलेक्ट हो रहा है। व्हेन द टूल सेलेक्शन कमांड रिसीव्ड बाय सिस्टम, आपने जो पार्ट प्रोग्राम में जो कमांड लिखा है उसके थ्रू यहाँ पर कमांड रिसीव्ड होंगे, एंड सेलेक्टेड टूल कम्स टू द टूल चेंज पोजिशन, और जो आपने टूल सेलेक्ट किया वो क्या होगा, स्पिंडल के सामने आ जाएगा, स्पिंडल के पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है टूल सेलेक्शन साइकिल, यानी कि टूल आपका सेलेक्ट हो गया और स्पिंडल के सामने आ गया, अब वो ट्रांसफर होने के लिए तैयार है। नेक्स्ट इज टूल ट्रांसफर साइकिल, यानी कि जो सेलेक्टेड टूल आपने जो टूल सेलेक्ट किया है वो क्या होगा, स्पिंडल में ट्रांसफर होगा, और जो स्पिंडल वाला टूल है वो वापस टूल मैगजीन में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो पुराना टूल है वो जो है टूल मैगजीन में आ जाएगा, और जो नया टूल है वो टूल मैगजीन से कहाँ चला जाएगा, स्पिंडल में चला जाएगा। द टूल विच इज इन द स्पिंडल इज ट्रांसफर टू द मैगजीन, ठीक है। सेलेक्टेड टूल स्पिंडल में जाएगा, और स्पिंडल में जो पहले से टूल लग रहा है वो टूल मैगजीन में आएगा, ठीक है। तो इस प्रक्रिया के दौरान, यानी कि जो ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो टूल ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है स्पिंडल से टूल मैगजीन में और टूल मैगजीन से स्पिंडल में, जो टूल ट्रांसफर की प्रक्रिया वो क्या होती है, देखिए बिफोर टूल ट्रांसफर टेक्स प्लेस स्पिंडल इज टर्नड ऑफ, यहाँ पर स्पिंडल को आपको बंद करना होगा, टर्नड ऑफ करना होगा, यानी कि स्पिंडल रोटेट होना बंद कर देगा, और फिर यहाँ पर जो है टूल चेंज की प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट होती है, क्लियर। और यहाँ पर जो स्पिंडल है, स्पिंडल को हम क्या करते हैं, एक निश्चित ऊंचाई तक, एक जो है निश्चित पोजिशन तक लाते हैं स्पिंडल को, ताकि वो क्या करे, ताकि जो नया टूल हम लगा रहे हैं वो वर्क पीस को हिट ना करे, वर्क पीस से न टकराए। तो यहाँ पर एक जो है स्कीमेटिक डायग्राम आप देख सकते हैं, या आपने जो है प्रोग्राम एंटर किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। आपने एक प्रोग्राम बनाया, पार्ट प्रोग्राम, जिसके अंदर आपने स्टेटमेंट लिखा हुआ है M06T03। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टूल आपको चेंज करना है और तीसरे नंबर वाला टूल आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो ये आपने प्रोग्राम एंटर कहाँ किया है, ऑब्वियसली आपने जो है कंप्यूटर में एंटर कर दिया, और ये इन्फॉर्मेशन किस में स्टोर हो गई, मशीन कंट्रोल यूनिट में सेव हो गई। ये आपके पास है मशीन कंट्रोल यूनिट। अब क्या करेगा, मशीन कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा किसको, मशीन टूल को इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है। जैसे आपने जो है थर्ड नंबर वाला टूल आपने सेलेक्ट किया, तो क्या होगा, ये जो ड्रम है, ड्रम रोटेट होगा और नंबर थ्री वाला जो टूल है ना वो इस स्पिंडल के पैरेलल आ जाएगा, यानी कि अभी नंबर तीन यहाँ पर है, क्लियर। जैसे रोटेट होगा ड्रम, तो क्या होगा, नंबर थ्री यहाँ पर आ जाएगा, ताकि स्पिंडल के पैरेलल हो जाए और इजी वे में हम टूल को शिफ्ट कर सकें, क्लियर। और ये आपके पास टूल स्पिंडल है, और क्या होता है, ड्रम रोटेट होता है, यानी कि थर्ड नंबर टूल स्पिंडल के पैरेलल आ जाएगा, और जो स्पिंडल है वो यहाँ पर रोटेट होना बंद कर देगा, एक निश्चित ऊंचाई तक आएगा स्पिंडल, ड्रम के पैरेलल आ जाएगा स्पिंडल भी, और क्या हो जाएगा, स्पिंडल रोटेट होना बंद कर देगा, और यहाँ पर टूल चेंजिंग की प्रक्रिया हो जाएगी, पुराना टूल टूल मैगजीन में और नया टूल टूल मैगजीन से स्पिंडल में चला जाएगा, क्लियर।
तो यहाँ देखिए जो टूल मैगजीन हमने देखा अभी, टूल मैगजीन जो टूल को स्टोर करके रखता है यहाँ पर, ठीक है। तो टूल मैगजीन जो है, टूल मैगजीन एक डिवाइस है, टूल मैगजीन इज अ डिवाइस जो क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है और टूल चेंज जब रिक्वायर्ड होती है तो इसमें ये सहयोग करता है, ठीक है। ठीक है, टूल मैगजीन हम की हम बात करें तो टूल मैगजीन को हम किस प्रकार से देखते हैं, पहला हम देखते हैं स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से, यानी कि टूल मैगजीन अलग अलग तरह के हो सकते हैं कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर जो टूल मैगजीन है उनकी कैपेसिटी होती है मिनिमम 12 टूल से लेकर के मैक्सिमम 200 टूल तक, यानी कि आप मैगजीन में मैक्सिमम 200 टूल स्टोर कर सकते हैं और मिनिमम 12 टूल आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो जनरली हम काम में लेते हैं वो 30 से 60 टूल पर मैगजीन हम काम लेते हैं, यानी कि एक मैगजीन में 30 टूल स्टोर किए हुए हैं, 30 से 60 टूल तक स्टोर किए हुए, वो हम एवरेज काम में लेते हैं। सेकंड आपके पास जो पैरामीटर वो है टाइप एंड शेप, यानी कि यहाँ पर किस टाइप का आप टूल मैगजीन काम में ले रहे हैं। एक होता है टरेट, टरेट यूजुअली जो है लेद मशीन में काम में ली जाती है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था ये आपके पास टरेट टाइप का है, क्लियर। ये है टरेट टाइप का टूल मैगजीन, ये लेद मशीन में काम में ली जाती है। नेक्स्ट है ड्रम एंड डिस्क, ड्रम या फिर डिस्क टाइप का जो टूल मैगजीन है वो ये आपके पास इस तरह का दिखता है आपको, ये आपके पास जो है ड्रम टाइप का है। नेक्स्ट आपके पास चेन टाइप, चेन टाइप की भी होती है, देखेंगे किस प्रकार से होता है ये। नेक्स्ट इज नेक्स्ट पैरामीटर है इसको टूल मैगजीन को जो है क्लासिफाई करने का, टूल चेंज प्रोसीजर, यानी कि टूल चेंज करने का प्रोसीजर क्या है, हाइड्रोलिक पावर्ड प्रोसीजर है या फिर न्यूमेटिक के थ्रू है या फिर मैकेनिकल पावर्ड है, ठीक है। तो मेनली हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि टूल मैगजीन के टाइप कौन कौन से होते हैं, टरेट, ड्रम टाइप एंड चेन टाइप, ठीक है। तो आइए देखते हैं, टूल मैगजीन होते हैं मेनली तीन टाइप के, पहला होता है टरेट टाइप, ड्रम टाइप एंड चेन टाइप। तो इन तीनों में हम जो है डिफरेंस देखेंगे और वर्किंग में क्या डिफरेंस है हम यहाँ पर ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टरेट टाइप की। तो टरेट टाइप जो आपके पास टूल मैगजीन है वो जो है इस प्रकार से दिखता है आपको, ये टूल मैगजीन मेनली लेद मशीन में काम में लिया जाता है, क्लियर। इसके फीचर्स देख लेते हैं, देखिए ये सबसे जो है सिंपल टाइप का मैगजीन है, क्लियर। दूसरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें किसी चेंजिंग यूनिट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है जो है टरेट में कि जो टूल आपको चाहिए काम में वो घूम करके टूल के सामने आ जाता है, यहाँ पर हमें टूल ट्रांसफ़र की आवश्यकता है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अलग से स्पिंडल नहीं होता है, टरेट में ही स्पिंडल बने होते हैं। जो भी आपको टूल काम में चाहिए आप जो है टूल को सेलेक्ट कर लीजिए, वो टूल जो है वर्कपीस के सामने आ जाएगा और यहाँ पर वर्क कंप्लीट कर देगा। आगे स्लाइड में देखेंगे किस प्रकार से टरेट काम करता है, ठीक है। तो ये जो है टूल स्टोरेज का काम करता है और साथ में टूल चेंज का भी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टूल चेंज यूनिट की आवश्यकता होगी नहीं होगी। और हम किस प्रकार से काम करते हैं, टरेट को हम इंडेक्स करते हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली इंडेक्स होता है। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, एक निश्चित एंगल के हिसाब से घूमना, एक जो है निश्चित घूमना है ना। तो घूम कर क्या होता है, जो टूल हमें चाहिए वो टूल सामने आ जाता है वर्कपीस के और यहाँ पर ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। टरेट क्या होता है, इंडेक्स होता है, क्यों, टूल को ब्रिंग द टूल इनटू पोजीशन ऑफ मशीनिंग, यानी कि जिस टूल में हमें काम करना है वो टूल इंडेक्स होकर के सामने आ जाता है किसके, वर्कपीस के, और ऑपरेशन को स्टार्ट कर देता है। तो ये था कुछ प्रॉपर्टीज टरेट टाइप टूल मैगजीन की। दूसरा है ड्रम टाइप। तो देखिए ड्रम टाइप का जो टूल मैगजीन है वो इस प्रकार से दिखता है आपको, ठीक है। यहाँ पर जो है बहुत सारे जो टूल यहाँ पर होल्ड किए हुए देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है, देखिए ड्रम रोटेट फॉर द पर्पज ऑफ टूल चेंज, यानी कि यहाँ पर जिस टूल को आपको काम में लेना है उस टूल को स्पिंडल के सामने लाने के लिए ड्रम को रोटेट करना पड़ता है, रोटेशन करना पड़ता है। और यहाँ पर जो कैपेसिटी होगी टूल मैगजीन की, यानी कि टूल मैगजीन ड्रम टाइप का जो टूल मैगजीन है वो कितने टूल होल्ड कर पा रहा है, तो किस पर डिपेंड करेगा, डायमीटर पे, यानी कि ड्रम जितना बड़ा होगा उतने ही ज़्यादा टूल ये मैगजीन स्टोर कर पाएगा, और ड्रम जितना छोटा होगा मतलब कि डायमीटर जितना कम होगा उतने कम टूल स्टोर कर पाएगा, और डायमीटर जितना ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा टूल यहाँ पर स्टोर कर पाएगा। अब बात करें हम चेन टाइप की, तो चेन टाइप का जो टूल मैगजीन वो जो इस प्रकार का होता है, यहाँ पे जो दो स्प्रोकेट बने होते हैं, जैसे आपने साइकिल में जो स्प्रोकेट देखे होंगे, साइकिल में स्प्रोकेट होते हैं उसके ऊपर जो है चेन यहाँ पर मूव करती है, इस प्रकार से यहाँ पे जो है दो जो है स्प्रोकेट होते हैं, फर्स्ट वन ये रहा और सेकंड वन यहाँ पर आपके पास ये रहा।
और यहाँ पर एक जो है पट्टे टाइप में चलता रहता है, सॉरी जो है चेन टाइप में चलती रहती है, और इस चेन के ऊपर जो है टूल यहाँ पर फिट किए हुए होते हैं। जो टूल आपको चाहिए वो सामने आ जाएगा और टूल स्पिंडल में सेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसकी प्रॉपर्टी क्या देख लेते हैं। स्टोरिंग लार्ज नंबर ऑफ टूल्स, तो हम चेन टाइप टूल मैगजीन से हम जो है लार्ज नंबर यानी कि अधिक मात्रा में टूल को स्टोर कर सकते हैं। पहली चीज, टूल्स आर अटैच्ड टू द पॉकेट। देखिए ये जो टूल है टूल जो है पॉकेट से अटैच्ड है, और ये पॉकेट किससे अटैच्ड है, इस चेन से अटैच्ड है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है अरेंजमेंट होता है, और चेन मूव ऑन द स्प्रॉकेट, और जो ये जो चेन है आपके पास, चेन जो है स्प्रॉकेट पे मूव करती है। स्प्रॉकेट के सहारे ये जो चेन दिख रही है आपको वो ग्रीन कलर की, वो इस पॉकेट में मूव करती है। इस चेन से क्या अटैच्ड है, चेन से जो है बहुत सारे पॉकेट अटैच्ड हैं। यहाँ पर देखिए आप, बहुत सारे जो है पॉकेट अटैच किए हुए हैं, और इन पॉकेट्स में क्या अटैच किए हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टूल यहाँ पर अटैच किए हुए हैं। क्लियर, आगे जो है स्लाइड देख लेते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं सीएनसी लेद मशीन, यहाँ पर चक दिखाया गया है, वर्कपीस होल्डर, और यहाँ पर जो है टरेट टाइप टूल मैगजीन बताया गया है। यहाँ पर जब हम टूल चेंज करेंगे तो किस प्रकार से इस टूल मैगजीन को इंडेक्स करते हैं, और किस प्रकार से नया टूल जो है वर्किंग करता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टर्निंग ऑपरेशन किया जा रहा है, और टर्निंग ऑपरेशन के बाद हम करेंगे यहाँ पर थ्रेडिंग ऑपरेशन। तो इन दोनों ऑपरेशन के दौरान जो टूल चेंजिंग प्रक्रिया है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए देखते हैं, टर्निंग ऑपरेशन किया जा रहा है अभी। अब हमें टूल चेंज की आवश्यकता है, तो यहाँ पर हम करेंगे स्पिंडल को ऑफ कर देंगे, ये सब ऑटोमेटिक होगा। स्पिंडल ऑफ हो चुका है, अब यहाँ पे देखिए इंडेक्सिंग हो रही है टरेट की, जो टरेट टूल मैगजीन उसकी इंडेक्सिंग हो गई। यहाँ पे जो थ्रेडिंग टूल है वो सामने आ चुका है वर्कपीस के, और यहाँ पर अब थ्रेडिंग ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। क्लियर, तो इस तरीके से यहाँ पर टूल चेंज हुआ है। ये आपके पास टूल मैगजीन, यहाँ पर आप देख रहे हैं सीएनसी मशीन जिसके अंदर चेन टाइप टूल मैगजीन काम मिली गई है, और यहाँ ये जो है टूल चेंजिंग आर्म है, और ये जो है टूल स्पिंडल है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से ऑपरेशन यहाँ पे किया जाता है, किस प्रकार से टूल चेंजिंग का जो प्रोसीजर वहाँ पर कंप्लीट किया जाता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ हम देखेंगे कि चेन टाइप टूल मैगजीन से किस प्रकार से टूल ट्रांसफर किया जाता है स्पिंडल में, और टूल ट्रांसफर यूनिट किस प्रकार से काम करती है। तो अभी आपका ऑपरेशन एक कंप्लीट हो रहा था, अब टूल आपका स्पिंडल ऑफ हो जाएगा, और अब नया टूल यहाँ पर फिट होगा। किस प्रकार से फिट होता है आइए देखते हैं। टूल का जो है सिलेक्शन किया जा रहा है, टूल अब जो निर्धारित टूल है वो इसके सामने आ रहा है, टूल चेंजिंग यूनिट के सामने आ रहा है। ठीक है, ये टूल को सिलेक्ट कर लिया गया है, टूल अब जो है टूल चेंजिंग यूनिट में आ चुका है। अभी जो आर्म दिख रही है आपको, टूल चेंजिंग आर्म, वो जो है ये देखिए, इस प्रकार से टूल यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। क्लियर, तो ये प्रोसीजर होता है। अब क्या करेंगे, इसको टूल को मैगजीन में निर्धारित पोजीशन पे होल्ड कर देंगे। तो इस प्रकार से टूल को चेंज किया जाता है चेन टाइप टूल मैगजीन के अंदर, और यही प्रक्रिया हम ड्रम टाइप के टूल मैगजीन में भी यहाँ पर रिपीट करते हैं, यही प्रोसीजर जो है सेम यहाँ पर किया जाता है। अब जो टूल यहाँ पर नया टूल जो स्पिंडल में लगा, क्या होगा, स्पिंडल वापस रोटेट करना स्टार्ट करेगा और दूसरा ऑपरेशन यहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा चेन टाइप टूल मैगजीन किस प्रकार से ऑपरेट यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा ऑटोमेटिक टूल चेंजर के बारे में और टूल मैगजीन के बारे में, विभिन्न टूल मैगजीन किस प्रकार से काम करती हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।